धरणी गर्भ संभूतं विद्युत कांति समप्रभं कुमारं शक्ति हस्तं च तं मंगलं प्रणमाम्यहम्। 1 जुलाई से मित्रों मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अभी 45 दिन तक मंगल नीच राशि में बैठे हुए थे, यानी कर्क राशि में बैठे थे। अब क्या है कि मंगल 1 जुलाई से और 18 अगस्त तक सिंह राशि में चले जाएंगे, रोचक योग का निर्माण कराएंगे। और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मीन राशि की ये कुंडली आ रही है, मंगल देखा जाए तो आपके छठे भाव में बैठे हैं, यानी छठा भाव में मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। वैसे तो श्लोक क्या कहता है इसके बारे में, मीन राशि के बारे में, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो श्लोक कहता है, षष्ठे स्थाने भौमा नौकर चाकर सुख वृद्धि कारका। यानी कि जब भी मंगल छठे भाव में बैठ जाते हैं या छठे भाव में गोचर होता है तो राजयोग एक्टिवेट होता है। जैसा मैंने कहा, रोचक योग मीन राशि का बनेगा, इनकम में वृद्धि होगी, पद में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, वाहन का सुख मिलेगा, नौकर चाकर का अच्छा आपको सुख मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर जो मंगल है वो आपके धन को, आपके काम को बढ़ाने में बड़ा सहयोग करेंगे और 18 अगस्त तक ये सहयोग रहने वाला है। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है, 4थी, 7वीं, 8वीं। तो 4थी दृष्टि से, छठे भाव से वो आपके 9वां भाव को देखेगा। 9वां भाव विदेश का होता है, तो मीन राशि का विदेश में यदि आप रहते हैं तो विदेश में भी आपको कोई काम से या अपनी फैमिली से रिलेटेड शुभ सूचना मिलेगी, या काम में, विदेश संबंधी काम में आपको उन्नति नजर आएगी। तो 4थी दृष्टि बड़ी लाभकारी है। 7वीं दृष्टि देखा जाए तो आपके करियर में या नौकरी का स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं, यानी मीन राशि का 18 अगस्त तक उनको नए जॉब के ऑफर मिल सकते हैं, यानी जॉब चेंज के योग नजर आ रहे हैं या स्थान परिवर्तन के आपके योग नजर आ रहे हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लगन में, यानी आपकी ख्याति बढ़ जाने वाली है, शत्रु परास्त होने वाले हैं, आपको कोई सम्मान, कोई सामाजिक संस्था से सम्मान मिलने वाला है। साथ ही साथ आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, जिम करेंगे, योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, या अपने को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं, अपने लुक्स में परिवर्तन करने वाले हैं। तो कुल मिला के मंगल की जो छठे भाव में बैठ के जो 8वीं दृष्टि आपके लगन में बैठी है तो आपके हेल्थ को अच्छा करने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मीन राशि पे 7.5 होने के बावजूद भी मंगल का जो राशि परिवर्तन है कम से कम 18 अगस्त तक आपके लिए लाभकारी रहेगा। और डिटेल में मित्रों आपको जानना है तो 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इसमें आपको अपनी डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करके आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और यदि आपको मेरे से वीडियो कॉल चाहिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी चाहिए तो आपको व्हाट्सएप ही एकमात्र रास्ता है मेरे तक पहुंचने के लिए, तो आप व्हाट्सएप में संपर्क करें। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।